हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, इससे पहले आपने अगर मेरा वेंचुरी मीटर वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वीडियो जरूर जाके देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीटीओ ट्यूब आपसे डिस्कस करूंगा कि पीटीओ ट्यूब क्या होता है और क्या कहते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड, मैं क्या कहते हैं, डिप्लोमा का सारे सब्जेक्ट का आप सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, तो फ्रेंड आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करा रखी हैं अभी तक। तो देखिए फ्रेंड, आज पीटीओ ट्यूब की बात करते हैं। तो देखिए, पीटीओ ट्यूब क्या होती है, एक तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये पीटीओ ट्यूब होती है। ये क्या कहते हैं, ये फ्लूड है। नीचे की तरफ आपको जो लिक्विड मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये लिक्विड है। इसके अंदर ये पीटीओ ट्यूब कुछ इस तरह से बनी होती है, कुछ इस तरह से एल की शेप में बनी होती है। और इसे क्या कहते हैं, इस लिक्विड के अंदर मर्ज किया जाता है। तो फ्रेंड, आप ये सब सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इस पीटीओ ट्यूब का। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस पीटीओ ट्यूब का यूज़ क्या है। तो देखिए, इसका यूज़ पाइप में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी मेज़र करने के लिए किया जाता है। मतलब फ्रेंड, इस पीटीओ ट्यूब का यूज़ यही होता है कि इसे किसी भी लिक्विड के अंदर वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लिखोगे। तो देखिए, अ पीटीओ ट्यूब इज़ एन डिवाइस यूज टू मेज़र द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो एट एनी पॉइंट इन द पाइप और चैनल। मतलब किसी भी पाइप और चैनल में जो फ्लो की वेलोसिटी है उसको मेज़र करने का काम करता है ये पीटीओ ट्यूब। तो देखिए फ्रेंड, अब इसके बाद मैं क्या कहते हैं, इसके बारे में और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ पीटीओ ट्यूब के बारे में। तो देखिए, इट सिंपलेस्ट फॉर्म, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब बेंट एट अ राइट एंगल। मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। आप फ्रेंड, आप डायग्राम से भी देख के समझ जाओगे कि काफ़ी सिंपल है ये। बस एक तरह से ये एल है, वो भी उल्टे एल की शेप में होता है। तो मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सिंपल है। तो यही इस पॉइंट में मैंने बता रखा है। देखिए, इट सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब काफ़ी सिंपल है। और इट कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब मतलब ये ग्लास ट्यूब का बना होता है। और बेंट एट राइट एंगल मतलब ये राइट एंगल पर बेंट होता है। इसके बाद देखिए, इसका अगला पॉइंट क्या है, द लोअर एंड नोन एज बॉडी इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द अदर एंड कॉल्ड द स्टेम इज ओपन टू द एटमोसफियर। मतलब जो लोअर एंड जो होता है, जिसे हम बॉडी कहते हैं, वो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब फ्लो की डायरेक्शन में रहता है। और जो अपर एंड होता है स्टेम, जिसे कहते हैं, वो एटमोसफियर में ओपन रहता है। तो फ्रेंड, ये थी उसके बारे में कुछ बातें, पीटीओ ट्यूब का यूज़ कैसे करते हैं और उसके बारे में कुछ बातें। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये फार्मूला, फ्रेंड ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब पीटीओ ट्यूब का क्वेश्चन आएगा। वी इक्वल टू मतलब ये वेलोसिटी निकालने का फार्मूला इक्वल टू सी वी वाई अंडर रूट टू जी एच। जब भी पीटीओ ट्यूब का क्वेश्चन आएगा तो आपको वेलोसिटी निकालने के लिए यही फार्मूला लगाना है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूँ इसमें सी वी क्या है। सी वी का मतलब होता है कोफिशियंट ऑफ पीटीओ ट्यूब, और इसकी वैल्यू होती है जो मतलब एक से नीचे ही रहती है। इसके बाद है इसमें जी, जी का मतलब होता है ग्रेविटी, जो 9.81 इसकी वैल्यू रखेंगे। और एच जो होती है हाइट, मतलब कितनी हाइट है उस पीटीओ ट्यूब मतलब उस लिक्विड की। तो फ्रेंड, ये थे क्या कहते हैं उस न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैंने आपको ये क्या कहते हैं फार्मूला बताया, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सी वी का क्या मतलब है, जी का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या है। और फ्रेंड, एक और बात मैं बता दूं, मैं इसका सारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर कराऊंगा पीटीओ ट्यूब का और वेंचुरी मीटर का भी। तो फ्रेंड, वो वीडियोज़ आप मेरी जरूर देखना, मैं इसके आगे उस वीडियो को बनाऊंगा। तो फ्रेंड, आज मैंने आपसे सारा थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया पीटीओ ट्यूब के बारे में, क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, और जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो मेरा बेनिफिशियल लगेगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।